ऐसा भी दिन आना ही था, घर जाना मुश्किल लग रहा है। ये कदम थम गए हैं, ये दिल और दिमाग रुक गए हैं। किस घर जाऊं, कैसे जाऊं? थोड़ा गौर फरमाइएगा, किस घर जाऊं, कैसे जाऊं, कहाँ है घर मेरा? हर लड़की पूछती है ये किसी न किसी स्टेज पे जाके। पिया संग डोली में आई थी, कुछ अरमान कुछ सपने लेकर। आज वो पिया साथ होके भी अनजाना सा है, पास होके भी बेगाना सा है। आज वो पिया ऐसे पत्थर की मूरत सा है, ना मेरे आंसू दिखते हैं ना मेरा दर्द, ना मेरे आंसू दिखते हैं ना मेरा दर्द। जुबान से बोल के भी बता लिया मैंने, जुबान से बोल के भी बता लिया मैंने, पर जाने किस बात की सजा देता है मुझे। दिनों पे दिन निकलते जा रहे हैं, जिंदगी कम होती जा रही है। ना खुद जीता है ना मुझे जीने देता है, ना ठीक से बांध के रखता है ना आजाद ही करता है। अपनी ही दुनिया में इतना मशगूल है कि भूल ही गया है कि लाया था एक लड़की को। कैसे लाया था? लाया था एक लड़की को कुछ रस्में कुछ वादे करके, 7 फेरे 7 वचनों में, मान के अग्नि को साक्षी पहना के, गले में मंगलसूत्र सजा के, मांग लाल सिंदूर से। ऐसे लाया था। पर आज क्या है? वो जान के अनजाना बनता है, वो जान के अनजाना बनता है कि आज वो लड़की उसी के घर में सबसे बेगानी है। हर पल में घुटती है, सिसकती है, बेचैन वो रहती है, हर पल में रोती है। और सिचुएशन कुछ ऐसी सी हो गई है, अब बेचैनियां बढ़ने लगी हैं, मन भी परेशान होने लगा है। अब ये दिल भी भर आया है और आंखें भी बहने लगी हैं। अब ये आवाज भी भारी होने लगी है, हिम्मत टूटने लगी है। जो कुछ यकीन था वो भी डगमगाने लगा है, कुछ जो उम्मीद थी वो भी हारने लगी है। ख्वाब बिखरने लगे हैं, कदम लड़खड़ाने लगे हैं, हाथ कांपने लगे हैं और साथ छूटने लगा है। समझ ही नहीं आता चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। एक दिन एक पल बड़ा खुशनुमा होता है, पर अगला ही पल फिर से अंधेरी रात लेकर आता है। मैं जानती हूं और अब समझ भी गई हूं कि जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना है, पर क्या करूं, इंसान हूं, अभी भी महसूस कर सकती हूं। कुछ भावनाएं हैं, कहां लेकर जाऊं? इन बिखरे अरमानों को, टूटे ख्वाबों को किसके सामने आंसुओं में बहाकर दिखाऊं? हो भी क्या जाएगा, कोई नहीं है, कोई नहीं है जो थाम ले, समेट ले मुझे खुद में और कहे इट्स ओके, मैं हूं ना। कोई नहीं है जो जोर से सीने से लगा ले, मुझे बाहों में भर ले, मेरे दिल और रूह को सुकून दे, ऐसा कोई नहीं है। और फिर कहीं कोने में जाकर, जहां पे कोई देख ना पाए, कोई सुन ना पाए, फिर याद आता है जो आप में से बहुत सारे लोगों को याद आया, वो माँ ही थी जिसके आंचल में मैं खुद को छुपा लेती थी, वो माँ ही थी जिसके आंचल में मैं खुद को छुपा लेती थी, नींद ना आने पर उनके पैरों को सीने से लगा लेती थी, परेशान होने पर उनके सीने से लगने के लिए, उनके आंचल में छिपने के लिए मुझे सोचना या पूछना नहीं पड़ता था। जो बिन कहे मेरी परेशानी पढ़ लेती थी, जानती हूं वो आज भी साथ है मेरे, पर फिर भी वो उतनी ही दूर भी है क्योंकि फिजिकल गैप है। जानती हूं वो आज भी साथ है मेरे, पर फिर भी वो उतनी ही दूर है कि मैं भागकर उनको लिपट नहीं सकती, अपने दिल के दर्द और आंसुओं को दिखा नहीं सकती। जानती हूं वो आज भी संभाल लेंगी मुझे, मेरी जिंदगी की उम्मीद बन जाएंगी, मुझे जीने की वजह दे जाएंगी। मैं सब जानती हूँ, मैं सब समझती हूँ। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वो धूप भी है, छाँव भी, सूरज का ताप भी है और चांद की शीतलता भी। मेरी माँ ऐसी है मेरे लिए, और सबकी होती है। लास्ट की 4 लाइनें हैं मेरी माँ के लिए ही। वो मेरे सपनों की उड़ान भी है, मेरे हौसलों का आसमान भी। वो थाम कर अगर मुझे जमीन से रखती हैं तो चांद तारों को छूने की आजादी भी देती हैं। और यही एक वजह है कि मेरी माँ मेरे लिए ईश्वर, अल्लाह, भगवान सबका रूप वही है। और इसीलिए मैं जब भी सर झुकता है सजदे में और हाथ दुआओं में उठते हैं तो एक ही बात कहती हूँ, ऐ खुदा बेशक उन्हें मेरी उम्र ना लगाना, ऐ खुदा बेशक उन्हें मेरी उम्र ना लगाना, बस हर जन्म में उन्हें ही मेरी माँ बनाना। तो पापा की परियों के लिए माँ की शेरनियां बनो। और बॉयज के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, हालांकि यहाँ पे ज्यादातर टूटे दिल बैठे हैं या आपने देख लिया है वो दर्द, बट फिर भी जो भी लव, केयर, अफेक्शन, रिस्पेक्ट आप अपनी घर की औरतों के लिए, बेटी, माँ, बहन के लिए चाहते हो, इस धरती की हर लड़की वो डिजर्व करती है। एंड यू आर द ओनली पर्सन हु कैन इंश्योर दैट। थैंक यू सो मच।